फोर्थ सेमेस्टर के एक ही एग्जामिनेशन से समझ गए थे कि किस यूनिट में से कितने नंबर का आ रहा है, फिर अपन ने उसके हिसाब से रणनीति बनाई थी। तो यार फोर्थ सेमेस्टर वालों का एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है, अब बारी है सेकंड सेमेस्टर वालों की। तो दोस्तों सेकंड सेमेस्टर वाले अगर विद्यार्थी हैं आप, तो तैयार हैं एग्जामिनेशन के लिए, आपके एग्जामिनेशन का टाइम टेबल भी आ चुका है। तो दोस्तों बहुत दिनों से यूट्यूब पर कमेंट आ रही है कि सेकेंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए IMP क्वेश्चन का वीडियो बनाइए प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो दोस्तों उस समय जब मैं वीडियो बनाता था, जब मैं फोर्थ सेमेस्टर की वीडियो बना रहा था IMP क्वेश्चन की, तो दोस्तों यकीन मानिए जो मैं IMP क्वेश्चन बताता था वीडियो में, उसमें से 80-85% क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता था। तो दोस्तों जब एग्जामिनेशन ख़त्म होता था तो उस पर वीडियो पर कमेंट करते थे विद्यार्थी कि नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो एग्जामिनेशन है उसका IMP वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो RGPB के एग्जामिनेशन आ रहे हैं 2022 के, जून 2022 के, वो IMP से ही बेस आ रहे हैं। यानी कि 2015 से अगर 2019 के एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर के अच्छे से कर लेते हैं पेपर तैयार, तो आपको फेल कोई नहीं कर सकता। और दोस्तों आपको बता दें कि इस बार क्या हो रहा है, कभी कभी RGPB किसी किसी एग्जामिनेशन में 2019 के ही 3-4 क्वेश्चन रख दे रहा है, 2015 के रख दे रहा है, परंतु दोस्तों 2014 तक नहीं जा रहा है, 2015 से मेनली 2019 तक ही जा रहा है। तो आप क्या करें, आपके पास अभी पर्याप्त समय है, यानी कि आपके एक्सटर्नल भी एग्जामिनेशन के बाद ही होने हैं, तो आप क्या करें 2015 से 2019 तक की वो IMP जो बार बार आते रहे हैं, या फिर जो आपको लगे कि ये इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आप उसे भी कर लेना। और इसके अलावा हमारे चैनल पर, यानी कि अपने इस चैनल पर यूट्यूब पर, हम लोग क्या करेंगे, रोज डेली एक एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट वीडियो बनाते जाएंगे। जैसा कि फोर्थ सेमेस्टर का अपन बनाते थे, उसमें अपन क्या करते थे, एक पेन कागज़ पे जो है PDF टाइप का बना के IMP क्वेश्चन प्रोवाइड कर देते थे आपको। और यह जो IMP क्वेश्चन रहते थे, यह प्रत्येक यूनिट वाइज रहते थे, यानी कि फर्स्ट यूनिट से लेके 5th यूनिट तक जो है आपके प्रत्येक यूनिट का अलग अलग IMP रहता था। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपको क्लियर हो जाता है किस यूनिट में से कितने नंबर का आ रहा है, और इसके अलावा कौन से IMP है जो कि इस यूनिट में से आ सकता है। तो दोस्तों इससे होता यह है कि आपके 8 क्वेश्चन आते हैं RGPB ऑफलाइन एग्जामिनेशन में, जिसमें से आपको ओनली 5 ही करने पड़ते हैं। तो इसमें आपके लिए अगर एक यूनिट कोई भी छोड़ना है, या फिर 2 यूनिट, जैसे कि अगर आपका जो है पहला एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा कि आपका किस यूनिट में से ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि RGPB फोर्थ सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों का जब हुआ था, तो शुरू के 4 एग्जामिनेशन जो है उसमें से 5th और 4th नंबर का जो यूनिट है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर दे रहा था, यानी कि 4-4 क्वेश्चन तो दोनों में से मिला के आ ही रहा था, और फर्स्ट सेकंड से ओनली 1-1 क्वेश्चन दे रहा था। तो दोस्तों हम क्या करते थे कि सबसे पहले 4th और 5th नंबर यूनिट प्रायोरिटी देते थे, यानी कि सबसे पहले यही तैयार करो, इसके बाद 3rd, 2nd और 1st अगर करना है तो कर लो, यानी कि सबसे पहले 4th और 5th को ही तैयार करो, जिससे कि अच्छे मार्क्स आ जाते थे। और 4 एग्जामिनेशन में इसी रणनीति के साथ सभी लोग फोर्थ सेमेस्टर वाले गए हैं। अगर कोई गया हो, कोई नहीं गया हो, अगर जिसने वीडियो देखा है उसका तो जो है 4th और 5th यूनिट में से अच्छा तैयार हो गया है। और यकीन मानिए दोस्तों, प्रत्येक सब्जेक्ट में 4th और 5th यूनिट से अच्छे क्वेश्चन बने हैं फोर्थ सेमेस्टर वालों की। सेकंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थी आप क्या करें, आपको वीडियो के माध्यम से जो IMP क्वेश्चन प्राप्त हो रहे हैं, या फिर आपके कॉलेज में जो टीचर आपका IMP क्वेश्चन बता रहा है, वो तैयार कर लें। इसी के साथ आपका टेलीग्राम ग्रुप है जो RGPB स्टूडेंट्स ओनली, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, और इसमें IMP सेंड करते जाएं, जिससे सभी विद्यार्थियों को फ़ायदा हो जाए। और जो आपके पेपरों के बीच में गैप मिला हुआ है, उस गैप में भी हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसका भी वीडियो बनाएंगे, तो वो भी आप अगर देख लेंगे तो आपके कुछ क्वेश्चन पहले से तैयार रहेंगे, और इसके अलावा कुछ अगर 1-2 क्वेश्चन नए होंगे तो आप उसको तैयार कर लेंगे, जैसा कि फोर्थ सेमेस्टर वालों ने किया है। और फोर्थ सेमेस्टर वालों को तो ओनली 1-1 दिन का गैप मिला था, इसके कंपेयर में आपको तो मिनिमम 2-3 दिन का गैप मिला ही है। दोस्तों आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, जो कि IMP क्वेश्चन आपको धीरे धीरे प्रोवाइड होते जाएंगे और आपके कॉलेज में भी बता दिए गए होंगे। और इसी के साथ जो गैप में वीडियो आपको मिले उसे भी आप देख लें एक बार, 2-3 मिनट की वीडियो रहती है, जिससे कि आपका फ़ायदा हो जाए, अच्छे नंबर आ जाएं। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दें, इंस्टाग्राम यूजर आईडी है पार्थ पटेल 2.0। थैंक्स फॉर वॉचिंग।